नमस्कार साथियों, की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे। वो मुद्दा है, बहुत ही टेक्निकल मुद्दा भी है वो, एक तरीके से वो मुद्दा है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बीच में जो इस समय चल रहा है, मतलब सुप्रीम कोर्ट दिल्ली और हाई कोर्ट कोलकाता के बीच। एक जज साहब है अभिजीत गंगोपाध्याय, कई कई लोग अभिजीत गांगुली भी उनको लिखते हुए पाए जाते। अब मामला क्या है इसको समझेंगे, उससे पहले पहले इसकी भूमिका को समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की शक्तियां क्या है। देखिए, अगर टेक्निकली रूप से देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास बहुत सी ऐसी शक्तियां हैं जो एक समान है, उसमें कोई अंतर नहीं है। जैसे वो स्वतः संज्ञान वो भी ले सकते हैं, स्वतः संज्ञान वो भी ले सकते हैं, वो भी किसी मैटर पे ऑर्डर पास कर सकते हैं, वो भी किसी मैटर पे ऑर्डर पास कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी सीबीआई ईडी से कह सकती है कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन करिए किसी मामले में, हाई कोर्ट भी कह सकती है। लेकिन ये मामला ऐसा आया है कि एक मामले में हाई कोर्ट ने आदेश कर दिया तो उसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, फिर हाई कोर्ट ने उसके अगेंस्ट में आदेश कर दिया। अब सामान्य अगर कोर्ट होती, यानी मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल की कोर्ट होती, तो सुप्रीम कोर्ट तुरंत उस जज को डिसमिस कर देता, निलंबित कर देता। लेकिन हाई कोर्ट के जजों को हटाने की ताकत सुप्रीम कोर्ट के जज में नहीं है, क्योंकि दोनों ही जज पार्लियामेंट के द्वारा ही हटाए जा सकते हैं। और पार्लियामेंट में को हटाने के लिए आप एक आदेश, आदेश तो नहीं कहेंगे उसको, एक स्ट्रक्चर टाइप का आप पास करके सरकार से पूछ सकते हैं, या आप एक तरीके से कह सकते हैं कि अपना अपना कंसेंट दे सकते हैं कि उन पे महाभियोग चलना चाहिए। लेकिन दो जजों के बीच में, एक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बीच की लड़ाई में सरकार अपना मत्था क्यों फोड़ेगी? क्योंकि ये महाभियोग लगाना इतना आसान काम नहीं होता है और इसको प्रूफ करना भी इतना आसान काम नहीं होता है। तो पावर दोनों के पास लगभग सेम है। जुडिशियल का थोड़ा सा मामला आता है, हाईकोर्ट कोई आदेश देता है तो उस आदेश को पलट सकता है सुप्रीम कोर्ट, जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटने का अधिकार जो है वो हाई कोर्ट के पास नहीं है। लेकिन कंटेंप्ट अगर कोई है तो उस पे दोनों ही अपने अपने पक्ष को रख सकते हैं या दोनों ही उस पे आदेश दे सकते हैं। खैर, ये सब सारा मामला चल रहा है, लेकिन ये मामला है क्या उसको समझते हैं। 2021 में शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर के अभिजीत गंगोपाध्याय जी ने, उस समय वो मतलब उस समय क्या, इस समय भी वो कोलकाता हाईकोर्ट के जज हैं, उन्होंने आदेश दिया कि इस मामले में फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। और जब भी किसी कोर्ट को लगता है कि इसमें डेटा कम है या इसमें फैक्ट फाइंडिंग कम है तो वो आदेश दे देती है। आदेश एक तरीके से ऐसा होता है कि उनको ये आदेश नहीं दे देती है कि तुम इसमें सजा सुना दो, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों के पास किसी को सजा देने का राइट नहीं है, किसी को सजा देने का अधिकार नहीं है। सजा देने का अधिकार कोर्ट के पास है। ये तो एजेंसियां इन्वेस्टिगेशन करती, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद कोर्ट में अपना पक्ष रखते। आदेश दे दिया, नॉर्मल सी बात थी, कोई बात नहीं। उस आदेश के तहत जांच भी शुरू हो गई। जांच शुरू हो गई तो आपने देखा होगा कि वहां पे बहुत सारे पैसे भी पकड़े गए ईडी और सीबीआई दोनों के द्वारा, साथ के साथ जो मंत्री हैं उनके शिक्षा मंत्री हैं वो भी जेल में गए। वो सब सारा ड्रामा आप लोगों ने पहले देख चुके। अब नया मामला आया है, ममता बनर्जी के भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी, कहा जाता है कि टीएमसी वही चलाते, वो पहुंचे हुए थे सुप्रीम कोर्ट। किस लिए पहुंचे हुए थे सुप्रीम कोर्ट? क्योंकि जस्टिस अभिजीत ने एक आदेश जारी किया था सीबीआई को कि इस मामले में, शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में, अभिषेक बनर्जी से भी पूछताछ होनी चाहिए। तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, हाई कोर्ट का जज को अगर लगता है कि ये व्यक्ति भी प्राइमा फेसी कुछ हो सकता है, आप इससे भी इन्वेस्टिगेशन कर लीजिए, इससे भी पूछताछ कर लीजिए। पूछताछ करना तो कोई बड़ी बात है, क्योंकि कोर्ट, अगर आप लॉ के हिसाब से देखेंगे तो कोर्ट का एक प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जब तक सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन ना हो जाए तब तक उस केस की सुनवाई ना करें। बहुत सारे जजों ने इस पे बहुत सारी टिप्पणियां भी की हैं, बहुत सारे आदेश भी दिए हैं कि फैक्ट फाइंडिंग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास आनी चाहिए,
पुराने में क्या फैसला हुआ, नए में क्या फैसला हुआ, क्या कानून लगेगा क्या नहीं कानून लगेगा, उसको कोर्ट देख लेगी, कोर्ट इंप्लीमेंट कर लेगी। लेकिन फैक्ट फाइंडिंग जो है वह रखने का जो जिम्मेदारी है वह है इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों के पास। तो भैया उसी के तहत ये सारा कुछ काम हो रहा था। तो अभिजीत बनर्जी गए हैं जो सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट से जो आदेश हुआ है उससे पहले का मामला समझते हैं। 2022 में अभिजीत गंगोपाध्याय ने एक टीवी को इंटरव्यू दिया था। उस इंटरव्यू में इसी से संबंधित कुछ सवाल पूछे गए। तो उन्होंने कहा कि अभिजीत बनर्जी ने कोर्ट को, मतलब कोलकाता हाई कोर्ट को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ दिया, मैं तो इनके ऊपर मानहानि का नोटिस भेजने वाला था लेकिन नहीं भेजा। लेकिन अगली बार अगर अभिजीत बनर्जी ने इस तरीके की कोई जरूरत की इस तरीके की कोई हिमाकत की तो मैं बता दूंगा कि कोर्ट का पावर क्या होता है। यह इंटरव्यू था 2022 का। आदेश अभिषेक बनर्जी से पूछने का जो आया है वो 2023 में आया है। 2023 में आदेश आया है, ये पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट जब गए अभिषेक बनर्जी तो ये 2022 का जो मीडिया का क्लिप है उसको लेकर के पहुंचे थे। लेकर के पहुंचे तो जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ के पास ये मामला पहुंचा तो उन्होंने जब उस क्लिप को देखा तो बड़े शौक रह गए। तो उन्होंने कहा कि इस तरीके से अगर कोई इन्वेस्टिगेशन का मामला चल रहा है तो किसी जज को पब्लिक में आकर के कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। जनरल बात है भाई, किसी जज को अगर कोई मामला चल रहा है, आपकी कोर्ट में चल रहा है, तो आपको बाहर आकर के टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। अच्छा, प्रथम दृष्टया तो ये बात ठीक थी, यहाँ पे ये सब सारी चीजें कंक्लूड हो गई। अब आदेश क्या दिया सीजीआई ने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने रजिस्ट्रार को कहा सुप्रीम कोर्ट के कि भाई पता करो कि ये क्लिप सही है कि गलत है, क्या है कैसे है, फिर उसके बाद कोई आदेश से पारित हो। उन्होंने क्या किया कि उस क्लिप का वेरिफिकेशन किया उनके रजिस्ट्रार ने वेरिफिकेशन किया और 28 अप्रैल को एक फैसला आया। 28 अप्रैल को फैसला क्या आया सुप्रीम कोर्ट का? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिक्षक भर्ती घोटाले से के जितने भी मामले अभिजीत के कोर्ट में चल रहे हैं, जस्टिस अभिजीत के कोर्ट में चल रहे हैं, सब उनसे वापस ले लिया जाए और उसको किसी दूसरे जज को ट्रांसफर कर दिया जाए, ये आदेश दिया। अच्छा, अभिषेक बनर्जी की तरफ से वही वकील थे जो मैं बार बार बताता हूं, वही 2-4-5 वकील है। तो इधर भी अभिषेक मनु सिंघवी ही अपियर हुए थे। अभिषेक मनु सिंघवी ने पूरा बढ़ा चढ़ा करके कोर्ट पे सब सारी चीजों को पेश भी किया कि देखिए साहब ये तो ऐसे जज हैं, ये तो ऐसा विचार रखते हैं इनके बारे में, तो ये ऐसी चीजें। अच्छा, अभिषेक बनर्जी से अगर पूछताछ की बात हो गई शिक्षक भर्ती घोटाले में तो कौन सी आफत हो गई? अगर अभिषेक बनर्जी को ऐसा तो है नहीं कि सीबीआई और ईडी उनको कोई सजा दे देती, पूछताछ करती, चलिए कोई बात नहीं जी भैया, सरकार है और चीजें हैं और इतने बड़े बड़े वकील हैं तो आप चाहे जो कह लीजिए जो कर लीजिए। अब क्या हुआ, ये आदेश पहुंच गया कोलकाता हाई कोर्ट। जाहिर सी बात है चीफ जस्टिस के पास पहुंचेगा कोलकाता हाई कोर्ट के, वहां से आ गया अभिजीत जी के पास, मतलब जस्टिस अभिजीत के पास। जस्टिस अभिजीत ने एक आदेश किया सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को, क्या आदेश किया कि मुझको ट्रांसक्रिप्ट प्रोवाइड कराई जाए। ट्रांसक्रिप्ट क्या होता है इस पे मैं एक लाइव करने वाला हूं, बहुत इंटरेस्टिंग और मजेदार, लेकिन फिर भी बता देता हूं। कोर्ट के अंदर जो भी मामला सुना जाता है, कौन से वकील ने क्या कहा, किसने क्या साक्ष्य रखा, किसने क्या डिबेट करी, उस पूरे डिबेट का जो होल सोल होता है, जो रिकॉर्डिंग होती है, चाहे वीडियोग्राफी होती है, चाहे उसका रिटर्न होता है, उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्ट। फैसले में तो भाई 4 लाइन लिखा रहता है, कुछ रेफरेंस लिखे रहते, उसमें तो ये ही नहीं पता चलता ना कि किसने क्या क्या कहा, किसने क्या क्या बोला। ये मांग लिया जस्टिस अभिजीत ने, और मांगते वक्त एक आदेश जारी किया कि मैं रात के 12:30 बजे तक बैठूंगा कोलकाता हाईकोर्ट में, आप 12:30 बजे तक मुझको ये प्रोवाइड कराइए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास इसकी ट्रांसक्रिप्ट होगी। जैसे ही आदेश आया, मतलब मुझको लगता है कि 3-3 बजे दिन में आया ये आदेश आया, उसके बाद तो सुप्रीम कोर्ट के हाथ पांव फूल गए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट तो
पास ये तो पावर है नहीं कि तुरंत यहां से डिसमिस कर दे जस्टिस अभिजीत को। तो सुप्रीम कोर्ट में दो जजों की बेंच बैठी, जस्टिस बोपन्ना बैठे और जस्टिस सीमा कोहली बैठी। बैठने के बाद इन्होंने आदेश जारी किया और आदेश जारी करते वक्त जस्टिस अभिजीत का जो आदेश था उस पर रोक लगाई। तो ये जो नूरा कुश्ती चल रही है हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के बीच में शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर के, मुझको ये नहीं समझ में आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इतना कंसर्न क्यों ले रहा है शिक्षक भर्ती घोटाले में। ये तो अपने आप में एक जबरदस्त बात है। एक और मामला बताते हैं। एक पहले थे कन्नन साहब, आप लोगों को पता होगा कि मद्रास हाई कोर्ट में वो जज थे, उसके बाद उनका एलिवेशन हो गया था तो वो आ गए थे कोलकाता हाई कोर्ट में। जज साहब के साथ भी ऐसा हुआ था, मद्रास का कोई एक केस था पुराना, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट चार्ज कर दिया था, मतलब अवमानना का नोटिस कर दिया था कन्नन साहब। कन्नन साहब को अवमानना का नोटिस कर दिया तो इन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट को अवमानना का नोटिस कर दिया। जब अवमानना का नोटिस कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने कन्नन साहब को गिरफ्तार करने का आदेश जारी कर दिया, तो कन्नन साहब ने भी सुप्रीम कोर्ट को गिरफ्तार करने का आदेश जारी कर दिया। उसके बाद मामला चला, चलने के बाद 6 महीने की सजा हो गई कन्नन साहब को। लेकिन सजा को तामील कौन कर रहा है, सबसे बड़ा सवाल तो ये है। तो उसमें हुआ कुछ नहीं, कन्नन साहब आराम से रहे, नौकरी किए, रिटायर हुए। तो ये जो नूरा कुश्ती सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजों के बीच में देखने को मिल रही है, इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत में जो न्यायिक प्रक्रिया है वो किस स्थिति में पहुंच चुकी है। हालांकि कन्नन साहब का मामला बहुत पुराना नहीं होगा, सिर्फ 5-7 साल 8 साल या मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, लेकिन 10 साल से ज्यादा पुराना नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट को अपने दायरे में रहना चाहिए, हाई कोर्ट को अपने दायरे में रहना चाहिए। संविधान में शक्तियां निहित हैं, सबके काम करने के तरीके, किसी को ओवरलैप नहीं करना चाहिए और किसी को अपने आप को सर्वोपरि नहीं मानना चाहिए। जैसे डीवाई चंद्रचूड़ साहब कह देते हैं ना, ये मेरी बेंच है, मेरी कोर्ट है, मैं डिसाइड करूंगा, दूसरा कोई डिसाइड नहीं करेगा। इतने साल में अभी तक मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। दुनिया भर का विकास सिंह जो थे बार काउंसिल के अध्यक्ष, उनके साथ ऐसा मामला हुआ। अभी सेम सेक्स का मामला जब चल रहा था तब तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से उन्होंने ऐसा कहा था, वो अड़ गए थे तुषार मेहता जी और सुना दिया था अच्छी खासी। ये कोई तरीका नहीं होता है, अगर आपको नहीं सुनना है तो सरकार इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगी, कल सरकार आप कर लीजिए अपने हिसाब से सारी चीजें। फिर उसके बाद रफा दफा हुई। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी नहीं समझना चाहिए कि वही सब कुछ है, वही सर्वोपरि है, वही जो कहेंगे वो सही होगा। सरकार को भी नहीं समझना चाहिए, हाई कोर्ट को भी नहीं समझना चाहिए, क्योंकि सबकी शक्तियां निहित हैं और सबके पास ताकत है और सबके अपने अपने अधिकार क्षेत्र हैं, तो किसी को किसी के क्षेत्र में अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। ये मेरा स्पष्ट मानना है। अगर जस्टिस अभिजीत ने अभिषेक बनर्जी से पूछताछ के लिए सीबीआई को कर दिया था तो प्रॉब्लम क्या थी इसमें, इसमें सुप्रीम कोर्ट को पढ़ना ही नहीं चाहिए था। हालांकि 2021 में जब आदेश हुआ था तब भी ममता बनर्जी सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी कि ईडी और सीबीआई की जांच ना हो, तब सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था, तब चीफ जस्टिस नहीं थे डीवाई चंद्रचूड़। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था नहीं, अगर इन्वेस्टिगेशन हो रहा तो इन्वेस्टिगेशन में क्या प्रॉब्लम है, नॉर्मल सी बात, इन्वेस्टिगेशन में क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए। लेकिन अब तो डीवाई चंद्रचूड़ साहब आ गए हैं और कोर्ट को ऐसा लगता है कि इस देश के नागरिक इनके ऊपर चर्चा भी ना करें। अभी डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा था ना कि मैं ट्रोल होने लगा सोशल मीडिया पे सेंसेस को लेकर के, इन्होंने कहा कि महिला पुरुष कुछ नहीं होता है, ऐसा वैसा पर्सन होता है, फलाना ढिकाना जो कर दिया था सोशल मीडिया पे, खूब जम दबा के छमा छम चला था। तो अब ये सवाल आता है सबसे महत्वपूर्ण, कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को नोटिस करे, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को नोटिस करे, ये क्या ठीक लगता है डीवाई चंद्रचूड़ साहब को या सुप्रीम कोर्ट को भी इस बात को उतनी ही सीरियसनेस के साथ लेना चाहिए जितने सीरियसनेस के साथ हाई कोर्ट पे लिया था। आपने सब कुछ ठीक किया, लेकिन आपने तो इतने दिन से जो मामले की सुनवाई कर रहा है, जो यहां तक पहुंचाया, 25 करोड़ रुपया जो मिला ममता बनर्जी के शिक्षा मंत्री के घर से,
उसको क्या सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिफाई कर दिया? हालांकि जस्टिस अभिजीत ने कुछ बोला नहीं, लेकिन इतना जरूर कहा कि जुग जुग जियो और अब बच्चों को नौकरी नहीं मिल पाएगी। मींस कि खेल इधर से नहीं हुआ तो खेल कहीं और से हो गया। मेन इस जज को ही हटा दो, मामला दूसरे से तो हम लोग सुलट लेंगे। हालांकि जस्टिस अभिजीत बहुत बार टिप्पणियां की है ममता सरकार के ऊपर बहुत सारी चीजों को लेकर के। इसी तरह एक मामला और आया था तो उनकी पोएम थी जो ममता बनर्जी ने लिखी थी, तो उसको पूरे बंगाल की लाइब्रेरी में रखवाया जा रहा था सरकारी विद्यालयों के। तो उसमें जस्टिस ने कहा था कि उसका उनकी कविताओं में, मतलब नाम लेते हुए नहीं कहा था लेकिन इतना कहा था कि उनकी कविताओं में कुछ ऐसी बात नहीं है, उपोंग पांग है, उसको कौन पढ़ना चाहेगा और सरकार का पैसा इसमें बर्बाद नहीं होना चाहिए। तो ममता बनर्जी सरकार ने कहा था कि जज को जज का काम करना चाहिए, उनको क्या पता ये है वो है अपना सब कुछ ड्रामेबाजी की थी। तो अब ये जो नजीर सुप्रीम कोर्ट ने पेश की है, इससे हाई कोर्ट के जज डरेंगे, राज्य सरकारों के भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर उनको कुछ करना हो तो। वैसे तो डीवाई चंद्रचूड़ साहब बहुत बड़ी बड़ी बातें करते, ये होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, मीडिया को ऐसे होना चाहिए, सरकार से सवाल पूछना चाहिए, लेकिन जज आदेश कर रहा है तो उसका सम्मान नहीं कर पा रहे। सिर्फ इसलिए नहीं सम्मान कर पा रहे, एक जज ने कहा कि अगर किसी पार्टी से मुझे हमको जोड़ोगे, कोर्ट को जोड़ोगे, तो मैं अवमानना का नोटिस भेज दूंगा। इस बार तो नहीं भेजा हूं, सोच रहा था अगली बार के लिए तो भेज दूंगा, इतना ही तो कहा था, इसमें क्या बुरा था। खैर, नोरा कुश्ती चलती रहेगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को हाई कोर्ट नहीं हटा सकता, हाई कोर्ट के जज को सुप्रीम कोर्ट नहीं हटा सकता। हटाना अल्टीमेटली जो है पार्लियामेंट के हाथ में है, और पार्लियामेंट तब हटाती है जब एक जगह, जिसे एक 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 सदन में अगर उनका अपराध घोषित हो जाता है तो दूसरे सदन में बुला करके उनसे रेक्टिफिकेशन मांगा जाता है, रेक्टिफिकेशन या उनसे सफाई मांगी जाती है। उस सफाई में जब कुछ कहेंगे और मामला यहां तक बढ़ेगा और खुद सुप्रीम कोर्ट भी अगर अपनी तरफ से इसकी पहल कर देता है तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे मामले खुलेंगे, तो कोई इस पंगे में पड़ना नहीं चाहता। और सरकार क्यों पड़े तुम लोगों के पंगे में, है ना? तो कोर्ट को भी अपनी मर्यादा में रहना चाहिए, ये कोई राजनीतिक अखाड़ा और राजनीतिक मंच नहीं होता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। बस इतनी ही टिप्पणी थी, इस पर इतना ही कहना था, लेकिन बड़ा रोचक है, देखिए क्या क्या हो रहा है। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक सब्सक्राइब करिएगा और अपने देश की न्याय व्यवस्था के बारे में एक बार जरूर सोचिएगा कि वो किस स्तर तक पहुंच चुकी है और कहां पहुंच चुकी है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।